जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। दुनिया विच नहीं जिसका कोई सानी, उस गुरु ला सानी दी गल करिए। 26 साल जिसने भोरे च तप किया, उस ब्रह्म ज्ञानी दी गल करिए। दित्ती गई जो चांदनी चौंक विच उस पावन कुरबानी दी गल करिए। हिंद दी चादर, धर्म दी चादर दे नाम नाल जाने जाण वाले अते श्री गुरु नानक देव जी दी जोत रूप विच सिख धर्म दे नौवें गुरु धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी बारे मैनू अज बोलन दा मौका मिलिया। मैनूं इस गल ते माण है। मेरा नाम जसप्रीत कौर अते मैं खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन BEd फर्स्ट सेमेस्टर दी विद्यार्थन हाँ। तेग बहादुर सिंह मरिए करो नौनित आवे ताई सब थाई होए सहाय। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी नूं दिन ऐतवार माता नानकी जी दी कुखो अमृतसर विखे गुरद्वारा गुरु के महल स्थान ते होया। आप श्री हरगोबिंद राय जी की सब तो छोटी अते पंचमी संतान सन। आप जी का बचपन का नाम त्यागमल सी। 1635 ईस्वी की करतारपुर की लड़ाई विच आप जी की बहादुरी नूं वेखदिया श्री हरगोबिंद राय जी ने आप जी का नाम त्यागमल तो बदल के तेग बहादुर रख दिता, जिसका अर्थ है तलवार का धनी। आप जी के भैन भरा बाबा गुरदित्ता जी, बाबा सूरजमल, बाबा अटल राय और बीबी वीरो सन। आप जी का विआह लखनौरी पिंड के लाल चंद की पुत्री माता गुजरी जी नाल होया। आप जी के घर एक संतान ने जन्म लिया जिन्हों का नाम गोबिंद राय सी। आप जी ने 9 साल के करीब समा अमृतसर विखे गुजारिया और फिर करतारपुर जिला जलंधर विखे चले गए। आपने 20 साल के करीब बाबा बकाले विखे तपस्या की। 1664 ईस्वी विच आपने गुरगद्दी संभाली। 1675 ईस्वी विच मुगल बादशाह औरंगजेब के हुक्म अनुसार कश्मीर का सूबेदार शेर अफगान कश्मीरी हिंदुओं से जुलम ढा रहा सी। कश्मीरी हिंदू गुरु जी की शरण आए तो अपना दुख प्रगट किया। तो गुरु जी ने कहा, जो शरण आवे तिस कंठ लावे। महावाक अनुसार जो श्री गुरु नानक देव जी की शरण आया है वह मायूस नहीं परतेगा। कश्मीरी हिंदुओं ने दसिया कि गुरु जी वह जालम कह रहा है, जेकर कोई महान व्यक्ति अपनी कुरबानी देवेगा तो ही उन्होंने आजाद करेगा। इस सुन के बालक गोविंद राय ने कहा, पिता जी आप तो वध होर महान व्यक्ति कौन हो सकता है। बालक गोविंद राय की गल सुन के आप अपने साथियों समेत दिल्ली पहुंचे। जो आप दिल्ली पहुंचे तो उत्थे औरंगजेब इस्लाम के नशे विच धुत सी। उसने इस्लाम की महिमा गाउंदिया आप नूं इस्लाम ग्रहण करन लई कहा, पर आपने उत्तर दिता कि तलवारा दी जोर ते धर्म नहीं बदलिया जाता। आप जी के अटल निश्चय नूं वेख के वह गुस्से नाल कंब उठिया ते उसने आप जी नूं कैद कर दिता। आप जी के अटल निश्चय नूं देख के पहला आप जी के साथियों शहीद किया गया। भाई मती दास जी नूं आरे नाल चीर दिता गया। भाई सती दास जी नूं रूह विच लपेट के साड़ दिता गया। भाई दयाला जी नूं उबलदी देग विच पा के शहीद कर दिता गया। 11 नवंबर 1675 ईस्वी नूं चांदनी चौंक विखे जलाद ने आप दा सिर धर तो वक्ख कर दिता, जिथे अजकल गुरुद्वारा शीशगंज संशोभित है। आप जी ने अपना बलिदान दे के सिद्ध कर दिता, बाह जिन्हां दी पकड़िए सिर दीजे बाणा छोड़िए। आप जी का एक सिख भाई चैता जी आप जी का सिर लैके शीशगंज साहब आनंदपुर साहब विखे पहुँच गया, जिथे गुरु गोबिंद राय जी ने भाई चैता जी नूं गले लगाया ते कहा, रंग रेटा गुरु का बेटा। ते भाई चैता जी का नाम बदल के भाई जीवन सिंह जी रख दिता। दूसरे पासे आप जी का धड़ लखी शाह बनचारिया ने रूह के गड्ढे विच लपेट के अपने मुहल्ले रकाबगंज विखे अपने घर लै गया, जिथे रात ढली नूं उसने चिखा बना के आप जी का संस्कार कर दिता। आप जी की अदुती शहादत बारे श्री गोबिंद राय जी ने लिखा, तिलक जंजूरा खा प्रबताका किलो बड़ो कलू मैं साका साधन हेत इत जिन करी सीस दिया पर सी ना उचरी धर्म हेत साका जिन किया सीस दिया पर सिरर न दिया सीस दिया पर सिरर न दिया। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह।